वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। गज गज का रंग जावे, सोनिया लो जावे, सत श्री अकाल गुरबार अकाल, देख देख बदेह खालस बंदी, चढ़दी कला रखो जी महाराज। गुरु प्यारी साध संगत जीओ, सज जाओ प्रेम नाल, गुरु साहब जी की लड़ीवार कथा सरवण करो जी। सतनाम श्री वाहि गुरु साहिब जी, एक ओंकार सतनाम करता पुरखो निरपो निरवैर, अकाल मूरत अजूनी सैपहु गुरु प्रसाद, जाप आद साचु जुगाद साचु है भी साचु, नानक होसी भी साचु, चक्र चिहन अर भरन जात अर पात नहन जिह, रूप रंग अर रेख पेख को कह ना सकत किह, अचल मूरत अनपहो प्रकाश मित्तोज कह जा, कोटे इंद्र इंद्राण साहि सहाण गणज, त्रिपवन महीप सुर नर असुर नेत नेत बन तृण कहत, त्व सर्व नाम कथ कवन कर्म नाम परनत सुमत, दंडौत बंदन अनेक बार सर्व कला समरथ, डोलन ते राखु प्रभु नानक दे कर हाथ, सिमरौ सिमर सिमर सुख पावाओ, काले कलेस तन माहि मिटावाओ, सिमरौ जास विषम पर एक नाम जपत अगनत अनेक, वेद पुराण सिमरत सुदाखर कीने, राम नाम एक आखर किनका एक जैस जीव बसावा, ताकि महिमा गनी न आवै, कांखी एक दर्स तुहारू नानक, उन संग मोहे उदारू उदारो,
जग और नयाहि महात्म मैं, अवतार उजागर आन कियाओ। तिन के दुख कोटिक दूर गए, मथुरा जिन अमृत नाम पियाओ। इह पद्धत ते मत चूक हिरे मन, पेद बपेद न जान बियाओ। परता शरदा गुर अर्जुन कै, हर पूरन ब्रह्म निवास लियाओ। जब लौ नहीं पागल लार उदय, तब लौ प्रमते फिरते बहुतायाओ। काल कोर समुद्र में बूढ़त थी, कब हु मिट है नहीं रे पछतायो। तत विचार यह मथुरा, जग तारन कौ अवतार बनायो। जपयाओ जिन अर्जुन देव गुरु, फिर संकट जोन गर्भ न आयो। अम्य दृष्ट शुभ कर हर अग पाप सकल मल, काम क्रोध अर लोभ मोह, वास कर सब बल। सदा सुख मन वस, दुख संसार खुआ। गुर नव निद दरियाऊ, जन्म हम कालख तुआ। सो कहो टल गुर सेविया, अहनिस सहज सुभाए। दर्शन परसय गुरु का, जन्म मरण दुख जाए। तेरे कवन कवन गुण कह कह गावा, तू साहिब गुणी निदाना। तुमरी महिमा वर्ण न साकाओ, तू ठाकुर ऊच भगवाना। बेसुमार अथाह अगनत अतोला, ज्यो बुलावहु त्यो नानक दास बोला। ज्यो बुलावहु त्यो नानक दास बोला। सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी। गुण गाओ मना अचत अविनाशी, सब ते ऊच दयाला। विशंबर देवन कौ एका, सर्व कर प्रतिपाला। गुण गाओ मना अचत अविनाशी, सबते ऊच दयाला। विश्वंभर देवन का एका, सर्व कर प्रतपाला। प्रतपाल महादयाल दाना, दया तार सब किसा। काल कंटक लोभ मोहना सा, जियो जाकर प्रभु बसा। सुप्रसन्न देवा सफल सेवा, कही पूरन काला। विनवंत नानक इच्छु पुन्नी, जपत दीन दयाला।
सुप्रसन्न देवा सफल सेवा कही पूरन काला बिनवंत नानक इच्छु पुन्नी जपत दीन दयाला। वाहि गुरु जी का खालसा वाहि गुरु जी की फतेह। परम सन्मान योग गुरु गरीब निवाज परम पिता परमेश्वर हरि अकाल पुरख वाहि गुरु जी दे सरगुण स्वरूप गुर परमेश्वर चोजी प्रीतम अमृत के दाते पंथ के वाली सरबंस दानी शमशेर बहादुर नीले दिशा असवार बादशाह दरवेस तख्तां वाले ताजां वाले फौजां वाले बाजां वाले साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब सच्चे पातशाह महाराज परम कृपालू जी सरबत जीवां दे उपर अपनी दयालता कृपालता मेहर नदरे अनायत करदिया होया अपने पावन सतजुगी तप अस्थान तखत सचखंड श्री हजूर श्री अबचल नगर साहिब जी दे पावन सुख दे दर्शन दीदार मेले दसा पातशाहियां जी दे पावन आत्मक स्वरूप जहरा जहूर हाजरा हजूर सर्व कला भरपूर साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह महाराज साहिब जी दी सत संगत रूपी गोद दे समेत बख्शिश करके निहाल कृतार्थ कर रहे ने। वड्डियां भागां वालिया ने सतजंगी जना ने नेम वालिया ने प्रेम वालिया ने दूरों नेड़ियों चल के गुर चरणा विखे आ करके हाजरियां भर के पावन अमृतमई गुरबाणी नूं पढ़ श्रवण अते गायन करके आत्मिक लाहे प्राप्त कीते ने। सतगुरु कलगीधर सच्चे पातशाह महाराज साहब जी दे पावन सचखंड दरबार जी नित दी मर्यादा दे अनुसार साध संगत जी वक्त है पावन अमृतमई गुरबाणी दी चल रही लड़ीवार कथा विचार श्रवण करने दी। गरीब निवाज सच्चे पातशाह महाराज साहब जी जिवें पावन गुरबाणी दे द्वारा उपदेश दी दात बख्शिश कर रहे ने मन चित बिरतियां एकाग्र करके श्रवण करके लाहे प्राप्त करना करिए। सतगुरु सच्चे पातशाह जी का बख्शिश किया होया पावन नाम रसना दी पवित्रता अते हिरदे दी कागरता दे वास्ते सहत प्यार दे उचारना करिए जी। सतनाम श्री वाहि गुरु साहिब जी सतनाम श्री वाहि गुरु साहिब जी गुण गाओ मना अचत अविनाशी। साध संगत जीओ सतगुरु श्री गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी महाराज गौड़ी राग दे अंदर पावन शंता राही उपदेश दी बख्शिश कर रहे हन। कल दे दीवान अंदर श्रवण कीता सी सिखां ने बेनती कीती ए सच्चे पातशाह ए जेड़ा मन है जदों बंदगी करने तो आलस करे बंदगी करने दे विच ना जुड़े बाहर नूं दौड़े अंतरमुखी बिरती ना होवे प्रवृत्ति पक्ष वल नूं दौड़े तां फिर की करना चाहीदा। त्या गरीब निवाज सच्चे पातशाह महाराज साहब जी ने सो पावन गौड़ी महला पंजवा उपरंत शंत उचारण करके शुभ सिख्या देना कीती है। साध संगत जी जिस पावन गुरबाणी दे एक शब्द दे अंदर ही सतगुरु जी ने वाहिगुरु जी दे 40 नामां नूं उचारना कीता है ते वाहिगुरु जी दे वख वख नामां नूं उचारण करके सिख्या देंदे ने भाई इस प्रकार अपने मन नूं सिख्या देंदे रहना है। जिहड़ा हरि अकाल पुरख वाहिगुरु है राम है नारायण है गोविंद है हरि है माधव है तिस दे नामां नूं सदा ध्यांदे ही रहना है। जिहड़ा हरि अकाल पुरख वाहिगुरु मुरारी है मुरी त्यादक दंता नूं मारने वाला है मुकंदे मुक्ति स्वरूप है इसे प्रकार दुखां दे कटने वाला है कालख दे कटने वाला है जमा दी फाही तो बचाउण वाला है दुखां दा नाश करन वाला है दीना नूं सरण पया नूं प्रतपालना करने वाला है ऐसे वाहिगुरु जी दे चरण कमलां नूं सदा आराध दे रहीए जिस दे नाम नूं जपण दे नाल जम दे बिखड़े पंथ ते नहीं जाईदा है अग्न सागर तो निमख मात्र समय दे अंदर छुटकारा हो जांदा है। जिस वाहिगुरु जी दा नाम सारे पापां नूं साड़न वाला है मन दे जीव दे मन नूं शुद्ध करने वाला है रात दिन तिस दे नाम नूं आराधना करिए। इस प्रकार हजूर जी ने शुभ सिख्या देना कीती है। साध संगत जी जो ऐसा हरि परमात्मा वाहिगुरु गोबिंद है माधु है दामोदर है दुखां नूं भै भंजन भै नूं सारे नूं डर नूं भंजन नाश करन वाला है
ऐसे हरि राजा स्वरूप जी दे नाम नूं सदा जपदे रहिए। जेड़ा श्री रंगू है माया द्वारा आनंद सुख बख्शने वाला है, जेड़ा दया दा सागर है मन नूं प्यार दे नाल हर लैण वाला है, ऐसे भगत वशल जी दी सदा बंदगी करदे रहिए। मोढ कदीमा तो सुभाओ जिसका सरण प्रत पालक है, जेड़ा भगतां दा वशल है अर्थात भगतां नूं अत्यंत प्यार करने वाला है, पूर्ण पुरख है, ऐसे वाहिगुरु जी दे नाम नूं जप करके सारे मन इशत फल प्राप्त कीते जांदे ने। जेड़ा वाहिगुरु जी अज्ञानता दे हनेरे नूं कटण वाला है, संसार दे मोह रूपी अंधे खूह दे विच पैण तों बचाउण वाला है, ऐसे वाहिगुरु जी दे नाम नूं मन दे विच वसावणा करिए। जिस वाहिगुरु जी दे नाम नूं सारे देवते सिद्ध गण गंधर्व मुनी जन जिस दे गुणा नूं गाउंदे ने, इस वाहिगुरु जी दे भगती रूपी गुणा नूं गावणा करिए। इस प्रकार हजूर फरमावणा करदे ने, जिहड़ा पार ब्रह्म परमेश्वर हर राजा स्वरूप है ना, तिस दे नाम नूं सदा जपदे ही रहिए। ते सिख्या देना करदे ने हे भाई, ऐसे चिंतन करने दे योग पार ब्रह्म परमेश्वर वाहिगुरु जी दे नाम दा सदा चिंतन करदा रहो। जेड़े वाहिगुरु जी सर्वकला समर्थ ने, अपनी शक्ति दे नाल जिन्हां ने सारी कल धारण कीती होई है, जेड़ा वाहिगुरु करुणा दा स्वरूप है, कृपा दा स्वरूप है, सर्वकला समर्थ है, करोड़ा ब्रह्मंडा दा मालिक है, घट घट दे अंदर वसने वाला है, ते सबना दे प्राणा दा आसरा है। जेड़ा वाहिगुरु जी सबना दा प्राण रूप है, मन करके तन करके जी करके उस नूं आराधना करिए। जेड़ा मन तन अते जी दा दाता है, ऐसा जो हरि अकाल पुरख वाहिगुरु बेअंत स्वरूप है, अगम स्वरूप है, अपार स्वरूप है, ऐसे वाहिगुरु जी दी शरण विच पै करके सदा ही तिस दे नाम नूं जपदे रहिए। जो सर्वकला समर्थ है, मोह नूं नाश करने वाला है, ते जेड़ा हरि अकाल पुरख वाहिगुरु सारे दुखां नूं बिदार देण वाला है, रोगां नूं सोगां नूं दुखां नूं नाश कर देने वाला है, ऐसे वाहिगुरु मुरारी जी दे नाम नूं सदा जपदे रहिए। इस प्रकार सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी ने सिख्या देना कीती, भाई जिस अकाल पुरख वाहिगुरु जी ने अपनी सत्ता दे नाल सारी कायनात नूं कुदरत नूं करोड़ां ब्रह्मंडा नूं आसरा दे करके धारण करके रखिया, तिस दे नाम नूं जपदे ही रहिए, तिस दे गुणा नूं आराधना करिए। जिस वेले मन विकारी होकर के दौड़े, इस प्रकार वाहिगुरु जी दे परमात्मा जी दे नामां तों वी सिख्या देना करिए। मेरिया मना हरी परमात्मा वाहिगुरु जी दे नाम नूं जपना कर, वाहिगुरु जी दी बंदगी करना कर, ओह ही सारियां सुखां दा दाता है। इस प्रकार साध संगत जी तीन पौड़ियां दी संत दे विचों अखरी विचार कल श्रवण कीती सी, चौथी पौड़ी ते इस तों अगे जिवें सतगुरु जी उपदेश दी बख्शिश करदे हन, मन चित बिरतियां एकागर करके श्रवण करके लाहे प्राप्त करना करिए जी। गुण गाओ मना अचित अविनाशी, सहत प्यार दे बोलना करिए जी, सतनाम श्री वाहिगुरु। सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह महाराज साहब जी फरमान करदे ने, हे भाई जेड़ा हरि अकाल पुरख वाहिगुरु अचुत है, अचुत तों भाव है अगिड़ स्वरूप, जेड़ा अपनी पदवी तों कदे डिगदा नहीं, जेड़ा स्थिर स्वरूप है। दुनिया दे अंदर राजे ने, महाराजे ने, अमीर ने, वजीर ने, ऑफिसर ने, सेनापति ने समा पा करके अपनी पदवी तों गिर जांदे ने, रिटायर हो जांदे ने जां मर जांदे ने। हरि अकाल पुरख वाहिगुरु जी दी ऐसी पदवी है जो अचुत पदवी है, जिस पदवी दा कदे पतन नहीं हुंदा, जिस पदवी तों कदे गिरदा नहीं, जेड़ी अचुत पदवी है, जेड़ी अगिड़ पदवी है, ऐसी पदवी वाला जो अविनाशी नाश तों रहत वाहिगुरु है। गुण गाओ मना, हे मेरिया मना, ऐसे हरि अविनाशी वाहिगुरु जी दे गुणा नूं सदा ही गाउंदा रहो। सबते ऊच दयाला, जेड़ा हरि अकाल पुरख वाहिगुरु जी सारियां तों उच्चा है, उच्चियां तों उच्चा है, जिस दा नाम भी सारियां तों उच्चा है, आप भी सबना तों उच्चा है, जिस दा सचखंड दरबार भी सबना तों उच्चा है, अत उच्चा ताका दरबारा अंत नहीं किश पारा वारा, जिस दे नाम दा सिमरन भी सब तों उच्चा है, सो प्रभ का सिमरन सब ते उच्चा, जो वाहिगुरु आप भी सारिया तों उच्चा है। कोई दानव मानव जक्ष किंदर सुगंधर्व जिस दे सदर्श नहीं पुज सकदे, ऐसे उच्चियां तों उच्चे भाव वड्डियां तों वड्डे
वाहिगुरु जी दे नाम दा सदा सिमरन करदा रहो, प्यार दे नाल जपदा रहो सतनाम श्री वाहिगुरु। विशंभर देवन का एका, सो जेड़ा वाहिगुरु है ना विशंभर, साध संगत जी इसका अर्थ है विश्व नू भरन वाला, सारी दुनिया नू सारे संसार नू जो के भरन वाला है, जीवा नू पैदा करके पृथ्वी मंडल खंडा ब्रह्मंडा नू भरने वाला है, ऐसे प्रकार विशंभर विशेष करके भरने वाला है, सारे जीवा दे पेट की पूर्ति करने वाला है। सैल पत्थर मह जंतो पाई ताका रिजक आगत कर धरिया, मूसे पैगंबर ने बंदगी करके खुदा दे पासो दात मंगी सी ना, हे अल्लाह ताला हे खुदावंद हे परवदगार सारे जीवा नू रोजी देन दी जो ड्यूटी सेवा मैनू सौंप दियो, ते महाराज जी ने आख्या भाई ये तेरे वस दा काम नहीं, रिजक असा ने जीवा दा अपने हाथ दे अंदर रखे है, नहीं महाराज मैनू जरूर सेवा बख्शो, मैं ये सेवा निभाउणी चाहुंना। महाराज जी कहण लगे भाई कोई होर सेवा करना, नहीं महाराज मैं तो यही सेवा करनी है। कहण लगे सारे जीवा नू रोजी देनी तेरे वस दी गल नहीं, गुण औगुण विचारे तो बिना सबना नू रिजक देईदा है। कहण लगा महाराज पहला किसी पिंड की ड्यूटी दे करके देख लवो, एक पिंड सौंप दिता, मन दे विच पहला ही इस प्रकार से भाव कि वाहिगुरु जी कहड़ा सारे नू रोजी दे सकता, परख करा एक जीव नू चुक करके छोटी जी डब्बी विच पा करके अपनी टोपी च लुका लिया कि महाराज नू पुछांगा महाराज मैं ते सारे पिंड नू रोटी दे दित्ती रोजी दे दित्ती पर आ देखो एक जीव रह गया तुसां नहीं दित्ती। एवें वाहिगुरु जी नू अलपग जनाउण वास्ते अपने आप नू समझदार खवाउण वास्ते साध संगत जी यह कर्म कीता, ते सारा जिस वेले दिन लंघ गया महाराज जी ने पुछया मूसे सबना नू रिजक दे दिता है? कहण लगा जी सबना नू दे दिता है। महाराज जी कहिंदे नहीं भाई दो जाने रह गए तू उहनां नू नहीं दिता। महाराज कौन रह गए? ते दसना कीता महाराज जी ने एक तां तू सूर नू भोजन नहीं दिता ते एक मंदकर्मी नू नहीं दिता। कहण लगा महाराज सच्चे पातशाह जी जिहड़ा सूरज आ इह ते बड़ा वध हुंदा है, इसने हुड मार करके मुहम्मद साहब का पट पाड़ दिता सी, बाबे आदम की वखी पाड़ दिती सी, इह ते है ही बड़ा वादा है, इसनू भुखे मरन देना चाहीदा तां इसनू रिजक नहीं दिता। ते महाराज जी कहिंदे फलाने मनुख नू नहीं दिता। कहण लगा महाराज कबर नू पुट करके मुर्दे दा शरीर कढ के उस दे नाल कुकर्म करदा सी, ऐसे पापी नू रिजक नहीं देना चाहीदा तां नहीं दिता। ते हजूर कहण लगे भाई तेनू सेवा रिजक देण दी दित्ती सी, कर्मा दी परख करने दी नहीं, मंदे चंगे कर्मा दा हिसाब असीं आप रखदे आ, लेखा असीं आप करदे आ, पर जिस नू जन्म दिता ना बिना कर्मा दे लेखे तो तेनू रिजक देने आ, इस करके तेरे पासो सबना नू रोजी नहीं दित्ती गई। कहण लगा महाराज तुसीं सबना नू देंदे हो? कहना कीता जी हां सबना नू देंदे आ। कहण लगा जे मेरे कोलो दो रह गए एक ते तुहाडे कोलो भी रह ही गया होवेगा। कहिंदे भाई असीं किसे नू नहीं छड्डदे सबना नू ही देंदे आ। सिर तो टोपी लाई विचों डब्बी कढ़ी कहण लगा इहदे विच जिहड़ा कीड़ा उसनू भी भोजन दिता है? कहिंदे जी इसनू भी दिता है। डब्बी खोल के देखिया ते साध संगत जी कीड़े दे मुख विच चौल दा दाणा सी, ते इस वेले ढह करके चरनी पै गया। महाराज मैं ते लुका के रखिया सी छुपा के रखिया सी, इसनू तुसी रिजक नहीं दे सकोगे। पर साध संगत जी ते जीवां दी अलपगता ना, वाहिगुरु जी ते अंतरजामी ने हर एक दे हिरदे दे अंदर बैठे हिरदे दियां जानदे ने, उस दे पासों कौन कोई किस गल दा लुका रख सकदा है। अगोह देखै पिछोह देखै तुझ ते कहा छुपावै, उस दे पासों किसी प्रकार दा छुपा नहीं रह सकदा है। इस प्रकार परमात्मा जी पत्थरां दे अंदर भी सिलां दे अंदर भी जीवां नू भोजन देंदे ने। साध संगत जीओ दमदमी टकसाल दे जथेदार संत बाबा सुंदर सिंह जी खालसा भिंडरां वाले महापुरख जथे दे नाल तुरे जांदे सन, सो नहर दे कंडे कंडे अगे पत्थरां नू चीरिया जा रहा सी, सो पत्थर दी आवाज बदल गई, महापुरख रुक गए, पत्थर नू चीरिया गया विच पोल सी, खोला सो खालीपन सी खोल सी। ते जदो साध संगत जी पत्थर दो टुकड़े हो गया की देखना कीता, उस खोल दे विच खाली थां दे विच वी कीड़ा बैठा होया है, उस दे मूंह दे विच सक्कर दा दाणा है। ते इस वेले महापुरखां ने सिंघां नू सुना करके ये पंक्ति पढ़ना कीती सी, सैल पत्थर मह जंत उपाए ताका रिजक आगैत कर धरिया। पत्थरां दे अंदर भी परमात्मा जी ने जीवां नू पैदा करना कीता है, ते इन्हां दा रिजक उन्हां दा अगे पत्थरां दे अंदर ही पैदा कर देना कीता है। ऐसा वाहिगुरु है विशंभर जो सारे विश्व दे जीवां दे पेट नू भरन वाला है, पेट दी पूर्ति करन वाला है। देवन कहो
जो देवण वास्ते एक है केवल ता केवल एको एक दाता आप ही है के रोजी दहंद है सबना दा रिजक जिस परमात्मा जी ने अपने हाथ दे अंदर रखिया है ऐसा ददा दाता एक है सब कहो देवनहार देंदे तोट न आवई अगंत भरे भंडार सारे विश्व दे जीवां दी पेट दी पूर्ति करने वाला है सारे जीवां दा इको एक मात्र वाहिगुरु आप ही दाता है सर्व कर प्रतिपाला सारे जीवां दी प्रतिपालना आप करता है इसे प्रकार साध संगत जी पंछियां दे अंडियां दे विच उन्हां दे बच्चियां दी प्रतिपालना करता है इसे प्रकार माता दे गर्भ दे अंदर जीवां दी प्रतिपालना करता है माता दे शरीर तो पवित्र अमृत वर्गा दुध प्रकट करके बच्चियां दी प्रतिपालना करता है छत्ती प्रकार दे शेर रसा वाले भोजन दे करके जेड़े शक सकदे ने तिन्हां दी प्रतिपालना करता है इस प्रकार हरि अकाल पुरख वाहिगुरु जी दा ए बिरद है प्रतपाल माता उदर राखै लगन देत ना सेक माता दे उदर दे अंदर गर्भ अग्नि दा सेक भी नहीं लगन देंदे हन परमात्मा जी सारे जीवां दी इस प्रकार सहत जुगत दे प्रतपालना करदे हन जी प्रतपाल महादयाल दाना ऐसा हरि अकाल पुरख वाहिगुरु जो सबना दी प्रतपालना करने वाला महादयाल वड्डा भारी दयालु है दयाल दया आल दया दा ही घर है ते वड्डी जुगत दे नाल प्रतपालना करने वाला है सो महा सारिया दे नालों वड्डा है जेड़ा सारे जीवां नू दान देण वाला है दया धारै सब किसै ऐसा हरि अकाल पुरख वाहिगुरु सब किसे दे उपर दया धारण करदा है जिथे संतां नू भगतां नू सतवादियां नू किरतियां नू हाथी किरत करन वालियां नू गरीबां नू रिजक दिंदा है उथे वेलणा नू भी कई कोट बैठत ही खाहे कई करोड़ा ऐसे जीव ने जेड़े बैठे ही खांदे ने बैठियां नू भी दिंदा है पापियां नू भी विभचारियां नू भी इसे प्रकार चोरां नू ठगां नू डकैतां नू धाड़वियां नू सबना दे माड़े चंगे कर्मां दी विचार कीते तो बिना रोख रूहान की रोजी ना टारै परमात्मा जी जीवां दे कर्म वेख करके तिन्हां तो रुखे हो करके नाराज हो करके किसे दी रोजी नहीं टाल दे ऐसे दयालु जी ने सबना जीवां दे उपर दया धारण करके सब किसे नू रिजक दा दान स्वासा दा दान इसे प्रकार खुशियां दा दान सुखां दा दान बख्शिश करदे हन जी काल कंटक लोभ मोह नासा जिस दा नाम जपण दे नाल काल दा जेड़ा डर है वह मिट जांदा है काल कंटक जेड़े जमदूत ने वह दूर हो जाते हैं कंटक सूल रूपी जो दुख है तिस दी भी निवृत्ति हो जाती है जीव दे हिरदे दे विचों लोभ दा अभाव हो जाता है ते जेड़ा मोह है ये भी नासै नास हो जाता है नासै नस जाता है पदार्थां दा लोभ अते शरीरां दा मोह काल कंटक दा किसे प्रकार डर नहीं रहिंदा जियो जाक प्रभ बसा ऐसा हरि अकाल पुरख वाहिगुरु जी जाक सब नसै जेड़ा सारिया जीवां दी प्रतपालना करने वाला है जाके प्रभ बसै जिस दे हिरदे दे अंदर जिस जीव दे हिरदे दे अंदर परमात्मा जी वस जांदे ने काल कंटक दा भय नस जांदा है इसे प्रकार लोभ ते मोह नस जांदा मिट जांदा है तिस दे हिरदे दे विचों प्रसन्न देवा सफल सेवा भाई ऐसा जो हरि अकाल पुरख वाहिगुरु है ना जिस वेले सुप्रसन्न विशेष करके कृपा दृष्टि करता है फिर जीवा नू अपनी सफल सेवा बख्शिश करना करता है भाव जीवा नू सेवा दे विच ला लैंदा है ते सेवा नू सफलिया भी आप करता है ही पूरन काला जेड़े ऐसे हरि अकाल पुरख वाहिगुरु जी दी शरण विच आए ने वाहिगुरु जी जिन्हां दे उपर सुप्रसन्न विशेष करके खुशी नू धारण कीता है तिन्हां दी कीती हुई सेवा थाए पई है इसे प्रकार भई पूर्ण काला उन्हां दी काल कमाई पूर्ण होई है थाए पई है सफली होई है बिनवंत नानक इच्छ पुन्नी सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी महाराज प्रवचन उचारना करदे ने जो वाहिगुरु दे चरणा दी शरण विच पए ने तिन्हां दियां सारियां इच्छा पूर्ण होईयां हन जपत दीन दयाला जो दीना दे उपर निमाणियां दे उपर गरीबां दे उपर न्यासरियां दे उपर बेसहारियां दे उपर दयालता करने वाला है ऐसे वाहिगुरु जी दे नाम नू जप करके सबे इच्छा पूरिया जा पाया अगम अपारा सो अगम अपार परमात्मा जी दी प्राप्ति होई सारियां इच्छावां पूरियां हो गईयां
साध संगत जी सच्चा सारिया इच्छावां दे अंदर चार पदार्थ आउंदे ने, धर्म अर्थ कामनावां दी पूर्ति हो जानी ते मोक्ष मुक्ति दी प्राप्ति हो जानी। इस प्रकार लोक दे सुख, परलोक दे सुख, तंदुरुस्ती, सारे पदार्थां दा सुख, औलाद दा सुख, संबंधियां दे मोह दा सुख इत्यादिक प्राप्त हो जांदा है। हजूर फरमान करना करदे ने सारिया इच्छावां उन्हां दीआं पूरियां हो गईआं जिन्हां ने दीना ते दयालता करन वाले हरि अकाल पुरख वाहिगुरु जी दे नाम नूं जपिआ है। गौड़ी महला पंजवा। साध संगत जी, ते इस समय दा रिवाज सी, अज भी किधरे किधरे ऐसे लोग देखे जाते ने शरीर करके पुरख ने पर अपने शरीर दे उपर इस्त्रियां वाले वस्त्र धारण करते ने, अपने आप नूं देवा जी अखवाउंदे अज भी मौजूद ने। इसे प्रकार पहले समयां दे अंदर भी अपने आप नूं सहो सुहागण अखवाउणा कि असी शाहो परमात्मा हरि अकाल पुरख वाहिगुरु जी दीआं सुहागणा हाँ, असी उस दीआं इस्त्रियां हाँ, वह साडा कंत है, मालिक है। भावे के मन की निर्मलता पवित्रता प्राप्त ना हुई, विभचारी हो करके अपने जीव अपने जन्म ऐसे जीव खुआर करते रहे, अपने जन्म नू बर्बाद करते रहे, पर सतगुरु सच्चे पातशाह जी तां सर्व इच्छा पूर्क ने ना, सतगुरु नो जेहा को इशदा तेहा फल पाए कोई, जेहो जेही कोई इच्छा लै करके आउंदा ओहो जिहा फल प्राप्त कर लैंदा। सो सतगुरु सच्चे पातशाह कलगीधर साहब जी ने, परम दयालु जी ने बड़ी कृपालता बख्शिश करना कीती है, जो कृपालता करके खालसा पंथ नू साध संगत जी खंडे दी पाहुल बख्शी है। नहीं ते पता नहीं किन्नी कु दुनिया अज भी ऐसे पखंडा दे अंदर लग करके खुआर हुंदी होनी सी, कलगीधर सच्चे पातशाह जी ने पखंडा दे विचों कढ करके सीधे मार्ग ते पा देना कीता है। भूले मार्ग जिन्हें बताया, ऐसा गुर वड भागी पाया, सिमर मन राम नाम चितारे, बस रहे हिरदय गुर चरण प्यारे। ये सतगुरु जी ने कृपालता करना कीती है। सो अपने आप नू सह सुहागण खवाण वालियां जो सहेलियां रूप जग्यासु इस्त्रियां ने सतगुरु अर्जन देव सचे पातशाह महाराज साहब जी दे कोल आईयां ते महाराज जी नू बेनती कीती, सचे पातशाह सानू साडे सह दी बात सुनावो, सानू साडे परमात्मा जी दी प्राप्ति हो जावे, किवें असी सुहागवतियां हो जाइए, सानू ते इस दी प्राप्ति दा उपदेश बख्शिश करना करो। सतगुरु अर्जन देव सचे पातशाह जी महाराज गौड़ी महला पंजवा, पंजवे पातशाह श्री गुरु अर्जन देव साहब जी महाराज गौड़ी राग दे अंदर उपदेश फरमाउंदे हन जी। सुन सखिए मिल उद्दम करे हा, सुन सखी बन करके आईए, सहो सुहागणा खवावने वाली महाराज जी उपदेश दी दात बख्शिश करो, तिस नू तिस दी भाषा दे विच सखी कह करके सहेली कह करके सतगुरु जी उपदेश दी दात बख्शदे ने। सुन सखिए मिल उदम करे हा, हे जग्यासु रूप सखिए सहेलिए, साध संगत दे नाल मिल करके जपना करिए सतनाम श्री वाहिगुरु। हरि अकाल पुरख वाहिगुरु जी नू मिलन वास्ते अमृत वेले तो ही उठ करके उदम करना करिए। गुर सतगुर का जो सिख अखाए, सो भलके उठ हर नाम त्यावै, उदम करे भलके प्रभाती, इसनान करे अमृत सरनावै। इस प्रकार अमृत वेले तो ही समय नू संभालना करना है, अमृत वेले उठ करके इशनान करना है, सत संगत दे विच मिल करके उदम करना है वाहिगुरु जी की प्राप्ति का। साध संगत जी जो संगत विच बैठ करके उपदेशा नू पढ़ना है, श्रवण करना है, गायन करना है, ये वाहिगुरु जी की प्राप्ति का उदम है। हजूर फरमाउंदे ने हे सखिए वाहिगुरु जी नू मिलन दा उद्यम करना कर। मनाए लहे हर कंता, जो हरि अकाल पुरख वाहिगुरु सबना दा कंत रूप है, सबना दा सज्जन रूप है, सबना दा खसम रूप है, सबना दा मालिक रूप है, तिस नू सत संगत दे नाल मिल करके नाम नू जप करके रिझा लेना करो, तिस नू मना लेना करो। मान त्याग कर भगत ठगौरी, सो सतगुरु सच्चे पातशाह जी हिरदे दे अंदरों मान किवें चलिया जावे, वाहिगुरु जी नू वस किवें कर लईए, जो कदे छड के जावे ही ना, ता हजूर फरमावना करदे ने कर भगती, जो प्रेमा भगती करनी है इस दे नाल मान त्याग, हिरदे दे विचों मान दा हंकार दा त्याग कर दे, क्योंकि प्रेमा भगती ही ऐसी दात है जो हिरदे दे विचों माण नू मेट देंदी है, हौमै नू मेट देंदी है। सो हजूर फरमावना करदे ने इसे प्रकार अमृत वेला सामदिया होया, सत संगत करदिया होया, नाम नू जपदिया होया, श्रेष्ठ करतब आचार करदिया होया, माण नहीं करना कि मैं साधन करदी हां,
माण दा त्याग करके हरी परमात्मा वाहिगुरु जी दी जेड़ी प्रेमा भगती करनी है। मोह साधु मंता, ए परमात्मा जी दी प्राप्ति दा मुख साधन है। सो साधु संगत जी, पुरातन समय दे विच भी बड़ा ए रिवाज सी, विशेष करके बंगाल इत्यादिक दे इलाके दे अंदर अज भी वड्डा भारी ए कुरीति ते रिवाज है। ते बहुत सारे लोग देश भर दे अंदर भी ऐसा करदे ने, माड़े सुभा वालियां बीबियां जादू टूने इत्यादिक करके अपने पति नूं वस विच करन दा जतन करदियां ने। ते बहुत सारियां ऐसियां ने जो काले इलम इत्यादिक नूं करके अपने पति नूं मार बैठदियां ने, फिर सारी जिंदगी विधवा दे दुख भोगदियां होईयां रोंदियां रहिंदियां ने। इस प्रकार दा सुभाव होया करदा सी। बाबा फरीद साहब जी नूं पुछना कीता सी ना कि ऐसा मैं केड़ा लिबास धारण करना करा, केड़ा मणियां मंत करा, केड़ा जादू टूना करा, मेरा जेड़ा कंत है मेरे वस दे विच आ जावे। ते आप जी ने वचन करना कीता सी, जुबान चो सदा मिठा बोलना है, इसे प्रकार पति दी आग्या दे विच रहना है, ते सेवा जेड़ी प्रेम दे नाल करनी है। ए जेड़े ने मंत्र देना कीते ने इस दे नाल ए त्रै भैणे वेस कर तां वस आवी कंत, तां जेड़ा पति वस दे विच आवेगा। इसे प्रकार सहु सुहागण ने पुछना कीता, महाराज जी जिवें दुनियावी बीबियां मंत्र करके जादू टूना टामण करके पति नूं वस विच करदियां ने, कोई ऐसा टूना टामण है, कोई जादू भी है वाहिगुरु पति नूं अपने वस दे विच कर लवां? ते सतगुरु सच्चे पातशाह जी फरमान करना करदे ने कि प्रेमा भगती जिहड़ी करनी है माण नूं त्याग करके, माण त्याग कर भगत ठगौरी, मोह है साधु मंतै। साध संगत जी, इत्थे साधु तो भाव है श्रेष्ठ सतगुरु जी। जो सतगुरु सच्चे पातशाह जी दा श्रेष्ठ मंत्र महाराज जी ने वाहिगुरु बख्शिश करना कीता है, जो हरि अकाल पुरख वाहिगुरु जी ने सो नौ जुग वावे अखर दा जाप, नौ जुग हाहे अखर दा जाप, नौ जुग अगे अखर दा जाप, नौ जुग अगे अखर दा जाप, चार अखर दा शक्ति जुग तप वाहिगुरु परमात्मा जी ने आप कीता है। सतगुरु नानक देव साहिब सच्चे पातशाह महाराज परम कृपालू साहिब जी ने उन्हां चारे अखरां नूं सम्मिलित करके जोड़ करके वाहिगुरु गुरमंत्र बनाया है, जिस नूं जपण दे नाल हौमै दा अभाव हो जांदा, मिट जांदी है हौमै। वाहिगुरु गुरमंत्र है जप हौमै कोई। हजूर फरमावना करदे ने मोह है साधु मंतै। हे सहु सुहागण सखीए, हरि अकाल पुरख वाहिगुरु जी ते किसे प्रकार दा कोई ढाइया, कोई टूणा, कोई टामण, कोई काला इलम इत्यादिक नहीं चलदा। महाराज कोई ता मंत्र ते इसने चलदा ही होवेगा। ते हजूर फरमावना करदे ने मोह है साधु मंतै। जो पूरे श्रेष्ठ साधु पूरे सतगुरु जी दा बख्शिश कीता होया वाहिगुरु नाम है ना, रात दिन से इस वाहिगुरु गुरमंत्र नूं जपदे रहिए, मोह है। ते इस हरि अकाल पुरख वाहिगुरु जी दा मन मोहिया जांदा है, वाहिगुरु गुरमंत्र जपने दे नाल वस दे विच आ जांदा है। सो महाराज जिवें ठग लोक हुंदे ने राहगीरां नूं, सो ठगौरी ठग बूटी सुंघा करके लुट लैंदे ने। वाहिगुरु जी दा नाम धन नहीं लुटिया जा सकदा। साध संगत जी, भगत कबीर साहब जी दे वचन दिना, कबीर लूटना है तो लूट लै, राम नाम है लूट, फिर पाशा पछता हो गए प्राण जाहे गे छूट। जदों प्राण छुट गए शरीर चो जान निकल गई, जमा दे वस पै गए फिर बड़ा पश्चाताप करोगे। इस करके वाहिगुरु जी दे नाम रूपी धन नूं लुट लैना करो। इसे प्रकार सहु सुहागण ने पुछया ता हजूर फरमावना करदे ने, जेड़ा माण नूं त्याग करके घर भगत ठगौरी, जेड़ी प्रेमा भगती करनी है ना, इहो ही ठग बूटी है। प्रेमा भगती करने दे नाल वाहिगुरु जी ठगे जांदे ने, जेड़े सारे संसार नूं ठगने वाले ने, हर ठग जग को ठगौरी लाई, आप ठग रूप ने सारे जीवां दे मन नूं ठग लैंदे ने, मोह लैंदे ने। 24,000 स्वास हर किसी दे हर रोज ठगे जा रहे ने, विकारां राहीं शुभ गुण ठगे जा रहे ने। ऐसे वाहिगुरु जी आप प्रेमा भगती रूपी ठग बूटी दे नाल ठगे जांदे ने, ते वाहिगुरु गुरमंत्र दा जाप करने दे नाल वस दे विच हो जांदे हन वाहिगुरु जी। जिस प्रकार माता बच्चे दे वस विच हुंदी है ना, ते प्यार दी बज्जी पिछे पिछे लगी फिरदी है, इसे प्रकार भगत कबीर साहब जी फरमाउंदे ने ना, पाशा लागा हर फिरै कहत कबीर कबीर, जिवें मां मेरा पुत मेरा लाल मेरा राज दुलारा कहिंदी पिछे पिछे फिरदी है। परमात्मा जी अपने प्यारे भगतां दे पिछे पिछे प्यार करके वसीकार होए फिरदे ने।
हजूर फरमावना करते ने माण नू त्याग करके जेड़ी प्रेमा भगती करनी है ये वाहिगुरु जी नू ठगण वास्ते ठग बूटी है जेड़ा उठद्या बैठद्या सुत्या जागद्या चलत बैसत सोवत जागत गुरमंत्र हृदय चतार वाहिगुरु जी दे नाम नू जपना है ये मोह है साधु मंत्र श्रेष्ठ सतगुरु जी का गुरमंत्र वाहिगुरु जी दे मन नू मोह लैंदा है। सखी वस आया फिर छोड़ न जाई। महाराज जीओ जे प्रेमा भगती करके वाहिगुरु जी नू वस विच कर लईए गुरमंत्र जप करके वाहिगुरु जी नू वस विच कर लईए फिर वाहिगुरु जी कदे छड़ के ते नहीं जाणगे। दुनिया दे विच देखिया जांदा है जिहड़ियां बीबियां पतियां नू वस विच करदियां ने कदी उहनां दे पति परदेश चले जांदे ने कदे विछोड़ा पै जांदा है कदे मर भी जांदे ने इस प्रकार उह विधवा होकर के दुनिया विच दुख भोगदियां ने पर जे वाहिगुरु जी वस विच आ जाण उह ते छड के नहीं जांदे ना तां हजूर फरमाउंदे ने सखी वस आया हे सखीए जिन्हां दे वस दे विच हरी अकाल पुरख वाहिगुरु आ गया है फिर छोड़ ना जाई फिर कदाचित भी जीव नू छड करके विछोड़ा दे करके नहीं जांदा है सदा ही अंग संग रहिंदा है। भगत धन्ना जी दे सदा नाल ही रहिंदे ने ना नाम देव हर जीओ बस है संग नाम देव जी दे अंग संग ही वसदे ना इस प्रकार परमात्मा जी फिर अपने प्यारियां दे अंग संग ही वसदे हन जी। एह रीत भली भगवंता ए भगवंत जी दी हरि अकाल पुरख वाहिगुरु जी दी निरंकार परमात्मा जी दी बहुत शुभ उत्तम भली रीति है ए चंगी रीति है मेरे प्यारे वाहिगुरु भगवंत परमेश्वर जी दी। नानक जरा मरण भय नरक निवारा ए साहिब जी वाहिगुरु जी दी प्राप्ति होण ते होर केड़ा सुख मिलदा है ते हजूर फरमाउंदे ने जरा मरण भय नरक निवारा भाई बुढ़ेपे दा हिरदे दे विचों डर मिट जांदा है मौत दा हिरदे दे विचों डर मिट जांदा है नरकां दे दुख नू परमात्मा जी निवार देंदे ने सर्वत प्रकार दे जेड़े भय हन डर हन सत प्रकार दे विद्वानां दे वड्डे भारी मन्ने ओ सारे ही जेड़े डर हन निवृत्त हो जांदे हन। पुनीत करै तिस जनता हरि अकाल पुरख वाहिगुरु जी अपने नाम दे रसिए नू पतत तो पुनीत कर लैंदे ने पवित्र 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 पुनीत तीन वार पवित्र आखिए ते पुनीत बनदा है तन करके मन करके बाणी करके जदो जीव पवित्र हो जांदा ते इसे प्रकार साध संगत जी पुनीत हो जांदा है। हजूर फरमाउंदे ने मन बाणी शरीर करके ओ जीव पवित्र हो जांदा है पुनीत हो जांदा है वाहिगुरु जी कर लैंदे हन अपने प्यारे नू पापी तो पवित्र पतत तो पुनीत ते इस जंत नू कर लैंदे हन। सुन सखिए एह भली बिनंती गरीब निवाज सतगुरु सच्चे पातशाह जी सहत प्यार दे उचारना करदे ने हे सखिए भली प्रकार हरि अकाल पुरख वाहिगुरु जी दे चरणा विखे बेनतियां करदे रहिए वाहिगुरु सानू विछड़िया नू कृपालता करके मेल लवो वाहिगुरु जी दा ए बिरद है विछड़िया मेलै प्रभु हर दर्ग है काबसीठ सतगुरु रूप हो करके विचोला रूप हो करके कंत मालिक पति स्वरूप वाहिगुरु जी दे नाल मिल लैंदे हन। एहो मतांत पकाइया इस प्रकार मतांत जो मता है तिस नू पका लेना करिए सो मत आंत जिथे जा करके मत दा अंत हो जावे अपनिया सियानपा नू छड करके साधु महात्मा दे नाल मिल करके सिफत सलाह रूपी मता ही पकाउंदे रहिए वाहिगुरु जी नू मिलने दा। सहज सुभाए उपाद रहत होए सहज ही सुभावक ही वाहिगुरु जी दे नाम नू जपने वाला उपाधियां तो रहत हो जांदा है दुष्कर्मा तो रहत हो जांदा है इसे प्रकार उपाद तो भाव है आदि व्याधि उपाधि तो रहत हो जांदा है शरीर दे दुखां तो रहत हो जांदा है मानसिक दुखां तो रहत हो जांदा है अचनचेत पैण वाली विपता तो रहत हो जांदा है इस प्रकार तीने ताप निवारण हारा दुख हंता सुख रास ताकौ बिघन न को लागै जाकी प्रभ आगै अरदास सहज सुभाए सुभावक ही सहजे ही सुते सिद्ध ही अपने आप ही निर्जतन ही सुभाए श्रेष्ठ प्रेम करने दे नाल वाहिगुरु जी दे नाल जेड़ा जीव है दुखा तो रहत हो जांदा है उपाधियां तो रहत हो जांदा है। गीत गोविंद है गाइया ऐसे हरि अकाल पुरख वाहिगुरु जो गो सारी सृष्टि दा विंद रखवाला है रखवाली करने वाला है
ऐसे गोविंद है परमात्मा परमेश्वर जी दे गुणा नू सदा ही रसना करके जुबान करके गाउंदे रहिए। कल कलेश मिटह भ्रम नासहे। जिस वाहिगुरु जी दा नाम जपन दे नाल कल कलयुग दे वड्डे भारी भयानक समय दे दुख जेड़े ने मिट जांदे ने, काम क्रोध दे जेड़े दुख ने मिट जांदे ने। कल जेड़ी मन दी कल्पना है, मन हर वेले कुछ ना कुछ चितवदा ही रहिंदा, ए मन दे अंदर कल्पना दा कलेश है। इसे प्रकार कल्पना दा कलेश भी हिरदे दे विचों मिट जावेगा। कल कलेश जिथे कल्पना मिट जावेगी उथे राग द्वैष अभिनिवेश सो अज्ञानता अविद्या ऐसे जेड़े पांच कलेश हन योगियां ने मन्ने हुए, ए पांच कलेश भी मिट जांदे हन। मन चिंदिया पल पाईऐ। सारे पांच प्रकार दे वड्डे भारी भरम ते छोटे बेअंत भरम भ्रम नासहे, तिन्हां दा भी नास हो जांदा है। वाहिगुरु जी दा नाम जपने दे नाल मन इच्छत फल जेड़े हन ओ प्राप्त हुंदे हन। मन चिंदिया जिन्हां नूं मन चाहुंदा है, मन चिंदिया जिन्हां नूं मन ने चितव्या होया है, मन चिंदिया मन इच्छत जेड़े फल हन सुखां रूपी ओ सारे ही वाहिगुरु जी दा नाम जपने दे नाल पाई दे हन। पार ब्रह्म पूरन परमेश्वर। इस करके हे भाई जेड़ा सृष्टि तो पार रूप है, परा स्वरूप है, परे तो परे है, ब्रह्म व्यापक स्वरूप है, पूर्ण है सर्वना जगह ते सबना थामा ते पूर्ण है रंचक रंचक मात्र अंदर थां दे अंदर। जो वाहिगुरु पूर्ण है जर्रे जर्रे दे अंदर किनके किनके दे अंदर, परमेश्वर जेड़ा परम ईश्वर है, देवत्या करके भी पूजने जोग आराधने करके सो ईश्वर दा भी ईश्वर है जो। नानक नाम दिहाईऐ। सतगुरु सचे पातशाह जी महाराज फरमान करदे ने, हे सुहागण सहो सुहागण रूपी सखी, ऐसे परमात्मा जी दे नाम नू सदा ही ध्यांदे रहिए, सदा ही जपना करिए, ता पति प्यारे दी प्राप्ति हुंदी है, ता तिस दी खुशी मिलदी है। सखी इच्छ करी नित सुख मनाई। सो इस प्रकार फिर बेनती करना कीती है सहो सुहागण ने सतगुरु अर्जन देव सचे पातशाह महाराज जी नू, हे गुरु रूप सखी सुभाव सतगुरु जीओ, इश करी मैं ते नेता प्रति हर रोज हरी अकाल पुरख वाहिगुरु जी दी प्राप्ति दी ही इच्छा कर दी हां, नित सुख मनाई नेता प्रति सुखना सुख दी हां, सुखना मनाउंदी हां मेरा पति परमात्मा मैनू मिल जावे, सुख मनाई इसे दे विच ही सुख मनदी हां कि वाहिगुरु मैनू मिल जावे तां सुखी होवांगी, होर दुनिया दे पदार्थां मोह इत्यादिक दे विचों सुख नहीं मिलदा है। प्रभ मेरी आस पुजाए। सतगुरु सच्चे पातशाह जी मेरे उपर कृपालता कर देवो, जो परमात्मा जी दे नाल मिलने दी मेरी तांग है, सिक है, इच्छा है, तड़प है, महाराज प्रभु परमात्मा जी मेरी इस इच्छा नु पूरिया कर देन। चरण प्यासी दर्श बैरागन। मैं वाहिगुरु जी दे दर्शना वास्ते बैरागन हुई फिर दी है, वाहिगुरु जी दे चरणा दी प्यासी हुई फिर दी है, वाहिगुरु जी दे चरणा दे नाल प्यार है ते प्राप्ति दी तांग है, प्यास है मन दे अंदर, सो इस प्रकार दर्शना दी दीदारिया दी बैरागन हुई फिर दी है, पदार्था वालों संसार दे अंदरों वैराग नु धारण कीता है, बिरती नु उपराम कीता है। देखो थान सबाए। मेरी भी ए इच्छा है सतगुरु जी, जिवें आप जी बचन करदे हो, घट घट वासी सर्व निवासी, हिरदे हिरदे दे अंदर वसदा, जर्रे जर्रे दे अंदर वसदा है, मैं भी ऐसे परमात्मा जी दे निर्गुण ब्रह्म स्वरूप नू सब थावां ते देख लेना करा। खोज लहो हर संत जना संग। सतगुरु सचे पातशाह जी बचन करना करदे ने, हे प्यारे जे हरी परमात्मा नू मिलना है ना ते संत जना दे नाल मिल करके हिरदे दे अंदर खोज लेना कर। महाराज हिरदे दी खोज किवें हुंदी है, ते साहिब जी दे पावन बख्शिश भरे बचन ने जो साध संगत दे नाल मिल करके नाम दा जपना है, हिरदे दे प्यार करके जपना है सतनाम श्री वाहिगुरु, अथवा जो रसना तो ते जपना है अंतर गुर आराधना, अंदर हिरदे दे विच भी सुते सिद्ध जेड़ी चितवनी है वो नाम दी ही चले। जिवें बुद्धि दे तल ते जीवन वाला जन साधारण आम मनुख है ना, मन जेड़ा हर वेले कल्पना ते करदा है, हर वेले चितवनी ते चितवदा है, पर चितवन भी है दूसरियां नू ठग लैण दी, संबंधियां दे नाल मोह वधा लैण दी, माया नू एकत्र करने दी,
सारे जेडे सुखां दे साधन मन्ने जांदे पदार्थ हन इन्हां नूं इकट्ठे करने दी ए चितवनी लगभग गुरमुखां ब्रह्म ज्ञानियां नूं छड के बाकी लगभग हर इंसान दे मन दे अंदर चितवनी चलदी ही रहिंदी ए, हर वेले चलदी ए। ते कई वार ते ऐसे कौतक वरतदे ने जेड़ा जीव है सुत्या पिया भी माया दे पिछे ही दौड़दा है, ते जदों जागदा झट अपने हथ वेखदा हथां विच ते नोट फड़े सी गए किथे, सुपने चो भी नोट भाड़दा है ते उठ के सुपने वाले नोट प्राप्त करने चाहुंदा है। हर वेले मन दे अंदर चितवनी है माया दी कत्तरता दी पदार्थां नूं इकट्ठा करने दी। हजूर फरमावना करदे ने हिरदे दा प्यार ए है, हिरदे दे अंदर सुते सिद्ध ही सुभाविक ही निरजतन अपने आप चितवनी नाम दी चलदी रवे। माया दी चितवनी रोकण दा जतन करिए नहीं रुकदी ना, ऐसा वाहिगुरु जी दे नाल हिरदे दा प्यार तेरा बन आवे, वाहिगुरु जी दा नाम सुते से तेरे हिरदे दे अंदर चलदा रवे, जे तू रोकण दा जतन करे ता भी ना रुके, ऐसा प्यार वाहिगुरु जी दे नाल बन आवे। सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज जी फरमान करना करदे ने भाई अपने दिल नूं नेता प्रति खोज, वाहिगुरु जी तेरे दिल दे अंदर बैठे ने, तू बाहरों लभदा परेशान होया फिरदा है, बंदे खोज दिल हर रोज ना फिर परेशानी माहे। ओ सर्व संपन्न हरि अकाल पुरख वाहिगुरु सर्व सुखां दा दाता हिरदे दे अंदर है, परेशानी दे अंदर ना तुरिया फिर। हजूर फरमावना करदे ने हे सौ सुहागण खोज लहो हर संतन संत जना संग, हरि परमात्मा वाहिगुरु जी दे जेड़े प्यारे संत जन शांत आत्मा महात्मा ने ना, उन्हां दी संगत दे विच मिल करके अपने हिरदे दे विचों ही वाहिगुरु जी दी खोज कर। समृद्ध पुरख मिलाए, क्योंकि जेड़े संत जन हन ना ए समृद्ध पुरख हरि अकाल पुरख वाहिगुरु जी दे नाल मिलावन वाले ने। संत सहाई राम के कर कृपा दिया मिलाए, साध संगत जी समर्थ समर्थ समृद्ध समृद्ध ए चार पाठ आउंदे ने, पर ए जेड़ा पाठ आया भावे के मूल रूप दे विच ए पाठ समृद्ध है पर प्रचलित पाठ ए समृद्ध है, चार पाठां दे वख-वख ए स्वरूप ने, सो इथे पाठ समृद्ध आया है। जेड़ा वाहिगुरु सर्व कला समर्थ है पूर्ण पुरख है व्यापक स्वरूप है, परमात्मा दे संत जन हिरदे दे अंदरों ही तिस नूं मिला देंदे ने। सब किश घर में है बाहर नाही, बाहर टोलै सो भरम भुलाही, सब किश पदार्थां दा दाता हिरदे दे अंदर है। प्यारियो संत जना दी संगत विच मिल करके हिरदे दे विचों ते सनु लभ लैणा करो। नानक तिन मिलिया सुरजन सुखदाता, सतगुरु सचे पातशाह जी महाराज कथन करना करदे ने हे भाई ओह सुरजन ओ देव लोक दा वासी ओ प्रकाश स्वरूप सचखंड प्रकाश स्वरूप देश दा वासी जेड़ा है ओ सुख दाता जिन्हां नूं मिलिया है। ते बड़ भागी माए, ते भाई ओ वड्डिया भागा वाले ने जिन्हां नूं माए माता स्वरूप पिता स्वरूप वाहिगुरु जी मिल गए। सखी नाल वसा अपने नाम प्यारे, सहो सुहागण दे हिरदे दे अंदर तांग उपजीए इशा उपजीए। महाराज जो वाहिगुरु जी दी प्राप्ति दा सुख हुंदा ना हिरदा किन्ना सुखी हुंदा है, हिरदे नूं किन्ना आराम मिलदा है, किरपालता करके उस सुख दे परथाए कुछ कथन करना करो। महाराज आप अंतर आत्मे परमात्मा जी दे नाल मिले हो पर ताश हिरदा गुर अर्जुन कै हर पूरन ब्रह्म निवास लियो, आप जी दे हिरदे दे अंदर पार ब्रह्म परमेश्वर जी वसदे ने, वाहिगुरु जी दे हिरदे दे अंदर निवास दा प्राप्ति दा मिलाप दा जेड़ा सुख वो कैसा है, किरपालता करके कथन करके दसना करो जी। हजूर फरमाउंदे ने सखी नाल वसा अपने अपने नाह प्यारे, पप्पे नूं औंकड़ है मैं अपने प्यारे नाह दे नाल पति परमात्मा जी दे नाल वाहिगुरु जी दे नाल वसदी हां। हे सौ सुहागण वाहिगुरु जी साडे अंग संग हिरदे दे अंदर साख्यात कारणे, उस दे नाल ही असीं सुखां दे सहत वसना करदे हां। मेरा मन तन हर संग हिलिया, हजूर फरमावना करदे ने हे भाई साडा मन अते साडा तन हर संग हरि परमात्मा जी दा संगी हो गया, वाहिगुरु जी दे नाल हिलिया, हिलिया तो भाव है गिज गया है रच मिच गया है तदाकार हो गया है। बच्चा किधरे नानके चलिया जावे वापस आउण नूं जी नहीं करदा, कहिंदे जी नानके बहुता गिज गया, नानकियां दे नाल घुल मिल गया रच मिच गया,
इस प्रकार हजूर फरमाउंदे ने साडा जेड़ा मन है वाहेगुरु जी दी बंदगी दे विच सुख दे मिलाप विच गिज गया है रच मिच गया है तदाकार ही हो गया है। सुन सखिए मेरी नींद पली। हे सखिए हे भाई साडी जेड़ी हुण अवस्था रूपी नींदर है समाधि रूपी नींदर है शांति रूपी जेड़ी नींदर है बली बड़ी ही भली चंगी है। साध संगत जी मन दी शांति एक अवस्था है मन विच कोई संकल्प विकल्प ना आउणा ते मन दा बिल्कुल टिका प्राप्त हो जाना उथे फिर कोई फुरना भी नहीं आउंदा है किसी प्रकार दी कोई चितवनी भी नहीं आउंदी है मन ठहर जांदा है। जिवें पानी हुंदा है सरोवर दे अंदर तालाब दे अंदर हवा आवे ते बड़ियां लहरां आउंदियां ने लहरां पैंदियां ही रहिंदियां जल दे उपर इसे प्रकार संकल्पां विकल्पां रूपी जदों हवा चलदी ए ते मन दे उपर फुरनिया रूपी लहरां साध संगत जी पैंदियां ही रहिंदियां ने पर जदों हवा रुक जावे ते ओ जिहड़ा पानी है बिल्कुल टिक जांदा है फिर उस दे विच अपनी शक्ल भी देखी जांदी है सूरत देखी जांदी है हर पदार्थ विच उस दे विच साफ साफ दिसदा है पर हिलदे पानी विच कुछ भी नहीं दिसदा है। इसे प्रकार साध संगत जी जदों फुरनिया रूपी हवा रुक जांदी है मन टिकाओ दे विच आ जांदा है संकल्प विकल्प नहीं उठाउंदा है फिर मन दे अंदर हरी अकाल पुरख वाहिगुरु जी दा दीदार हो जांदा है। जिवें अपना परछावा अपना आभास जल दे विच नजर आ जांदा ना फिर आत्म स्वरूप मन दे अंदर नजर आ जांदा है वाहिगुरु जी दी प्राप्ति अभेदता हिरदे दे अंदर ही नजर आउंदी है। फिर पानी दे अंदर जितने पदार्थ होण ओह भी सारे नजर आउंदे ने फिर मन दे अंदर सत संतोख धीरज करुणा मैत्री मुद्दता उपेक्षा जितने शुभ गुण हन जितनी दैवी संपदा है ओह भी नजर आउंदी है सारे शुभ गुणा दा दाता हरि परमात्मा जी भी फिर हिरदे दे अंदर मन दे अंदर ही नजर आउंदा है। सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज साहब जी फरमान करना करदे हन साडा जिहड़ा मन है इह हुण शांति रूपी नींद दे अंदर टिक गया है समाधि रूपी नींद दे अंदर स्थित हो गया है। कहण तो भाव जिवें नींद दे विच मनुख सुता होवे ते बाहरी दुनिया दा ज्ञान नहीं रहिंदा इस किसे प्रकार दुख इत्यादिक दा भी ख्याल मन दे विच नहीं आउंदा है शांति रूपी अवस्था दे विच टिकने दे नाल किसे प्रकार दुख दा फुरना मात्र ख्याल तक भी नहीं आउंदा संसार दे इसे प्रकार मायक साधना दा फुरना तक भी नहीं फुरदा ऐसा हरि परमात्मा जी दे दर्शना दे विच जिहड़ा मन है ओह तदाकार हो जांदा है। हजूर फरमाउंदे हन हे भाई हुण इह अवस्था रूपी शांति रूपी भली नींद प्राप्त होई है जिस दे नाल दुनिया सानू भुली गई है भाव दुनिया दे वाले संकल्प विकल्प फुरने ही भुल गए हन। मैं आपनड़ा फिर मिलिया मैनू आपनड़ा जो सबना दा अपना हरि अकाल पुरख वाहिगुरु है ओ फिर पति स्वरूप दे अंदर मिलिया है। ब्रह्म खोयो शांत सहज स्वामी सतगुरु सच्चे पातशाह जी फरमान करदे ने जदों स्वामी हरि अकाल पुरख वाहिगुरु दाता जी मालिक जी मिल गए ना सारे जेड़े भरम सन पांच प्रकार दे ओह भी खोए नाश हो गए सो इस प्रकार जिस वेले भरम नाश हो गए ते हरि अकाल पुरख वाहिगुरु जी दी भेदता नूं ते इस दी संगत नूं अपने अंग संग ही मानना कीता प्रकाश भया कौल खिलिया जेड़ा सत स्वरूप है सहज सुभाविक ही ते इस स्वामी प्राप्त नूं प्राप्त कर लिया है स्वामी दा अर्थ है मालिक ते इस करोड़ा ब्रह्मंडा दे मालिक वाहिगुरु जी नूं पति स्वरूप दे अंदर प्राप्त कर लिया है। प्रगास भया हिरदे दे अंदरों अज्ञानता दा हनेरा मिट गया है करोड़ा सूरजां दे नालों बहुता चानण हो गया है नाम जपत कोट सूर उजारा बिनसै भरम अंधेरा हिरदे दे अंदरों इस प्रकार हनेरा जेड़ा सी ओह भी मिट गया सच दा प्रकाश हो गया है ब्रह्म ज्ञान दा प्रकाश हो गया ते कौल खिड़िया जिवें सूरज दियां किरणां पैण दे नाल धुप पैण दे नाल कौल कमल दा फुल खिड़ जांदा ना इस प्रकार ज्ञान दे सूरज हरि अकाल पुरख वाहिगुरु जी ते इस दियां भगती रूपी किरणां हिरदे दे उपर पैण दे नाल हिरदा कौल जिहड़ा खिल गया है हुण इस दे विचों भगती दे मकरंद रस दी खुशबू आउंदी है महक आउंदी है जो सारिया जीवां दे हिरदियां नूं मोहित करदी है जिस भगती दे मकरंद रस नूं खुशबू नूं मानण वास्ते गुरसिखां रूपी जिहड़े भवरे ने रात दिन चार सवेरे परिवार दी न्याई आ करके बैठदे ने वाहिगुरु जी दी भगती दे मकरंद रस नूं माणदे हन ऐसा हिरदा कमल वाहिगुरु जी दी बंदगी दे प्रताप दे नाल भगती दे प्रताप दे नाल खिड़िया है। वर पाया प्रभु अंतर जामी हे सखी हे भाई जो अंतर जामी अंदर दिया जानने वाला है अंदर वसने वाला हरि अकाल पुरख वाहिगुरु है ना
ਇਸ ਨੂੰ ਵਰ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤੀ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕੰਤ ਸਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਸੁਹਾਗ ਨਾ ਟਲਿਆ, ਐਸਾ ਸੁਹਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਟਲਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਮੁੜ ਕਦੇ ਟਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਮਿਲ ਰਹੇ ਫਿਰ ਵਿਛੋੜਾ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਕਦਾਚਿਤ ਵੀ ਕਦੇ ਵੀ ਵਿਛੋੜਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਤੀ ਮਿਲਦਾ, ਵਿਛੜ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, ਮਰ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, ਛੱਡ ਕੇ ਵੀ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰਦੇਸ ਵੀ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਤੀ ਐਸਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਵਰ ਪਾਇਆ ਅਬਿਨਾਸੀ, ਉਸ ਨਾਸ਼ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵਰ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲੈਣਾ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਉਹ ਮਰਿਆ ਨਾ ਜਾਇਆ, ਨਾ ਕਦੇ ਮਰਦਾ ਨਾ ਛੱਡ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਕਦੇ ਵਿਛੋੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅੰਤਰ ਆਤਮੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਅਭੇਦਤਾ ਦਾ ਐਸਾ ਸੁੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਨੰਤ ਕਾਲ ਤੱਕ ਸੁੱਖ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਸਰੀਰ ਬਿਨਸ ਵੀ ਜਾਵੇ, ਦੱਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਰੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇ, ਭੱਠੀਆਂ ਚ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਤਰ ਆਤਮੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਸੁੱਖ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਟਦਾ, ਨਾ ਕਦੇ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਕਦੇ ਟਲਦਾ। ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਬੰਦ ਬੰਦ ਵੀ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਸ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਬਚਨ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ, ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੀਸ ਤੁਹਾਡਾ ਧੜ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ, ਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਹੈ ਅੰਤਰ ਆਤਮੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਆਨੰਦ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਰਸ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਵਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਭਾਈ ਵਰ ਪਾਇਆ ਪ੍ਰਭ ਅੰਤਰਜਾਮੀ, ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕੰਤ ਸਰੂਪ ਵਰ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਨਕ ਸੁਹਾਗ ਨਾਲ ਟਲਿਆ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੇ ਟਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਵਿਛੋੜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਜੇ ਐਸੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਾਮ ਰਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਾਮ ਅਭਿਆਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿਖੇ ਆ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਸਹਿਤ ਪਿਆਰ ਦੇ ਜਪਣਾ ਹੈ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਪਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਰੂਪੀ ਠੱਗ ਬੂਟੀ ਪਾ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਮੰਤਰ ਰੂਪੀ ਮੰਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮੋਹ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੇ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਜੀਵ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸੁੱਖ ਸਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਬੂੰਦ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਸਾਗਰ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੀਵ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਹਰ ਜਨ ਇੱਕ ਸਮਾਨ, ਫਿਰ ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਹੁ ਸੁਹਾਗਣ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਜੋ ਭੇਦ ਹੈ, ਜੋ ਰਾਜ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਉਹ ਫਰਮਾ ਕਰਕੇ ਜਨਾਵਣਾ ਤੇ ਦੱਸਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿਖੇ ਅਰਜ਼ੋਈਆਂ ਕਰੀਏ, ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰੀਏ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲੂ ਜੀ, ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ, ਸਾਡੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਚਰਨਾਂ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਵੋ, ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ। ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਰਵਣ ਕੀਤੇ ਹਨ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਾ ਦੇਵੋ, ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜ ਜਾਈਏ। ਸਭਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਦਰੋ ਘਰੋਂ ਪਿਆਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਬਖਸ਼ ਕਰਕੇ ਕਿਰਤਾਰਥ ਕਰੋ, ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਦੋ ਪੰਕਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਕਰਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਬ੍ਰਹਮ ਖੋਯੋ ਸ਼ਾਂਤ ਸਹਿਜ ਸਵਾਮੀ, ਪ੍ਰਕਾਸ ਭਇਆ ਕੌਲ ਖਿਲਿਆ, ਵਰ ਪਾਇਆ ਪ੍ਰਭ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ, ਨਾਨਕ ਸੁਹਾਗ ਨਾ ਟਲਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੇ ਅਚੁੱਤ ਹੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਅਬਿਨਾਸੀ ਅਗਨਾਸ, ਹੇ ਪੂਰਨ ਹੇ ਸਰਬ ਮੈਂ ਦੁਖ ਪੰਜਨ ਗੁਣ ਤਾਸ, ਹੇ ਸੰਗੀ ਹੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੇ ਨਿਰਗੁਣ ਸਭ ਟੇਕ, ਹੇ ਗੋਬਿੰਦ ਹੇ ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ ਜਾ ਕੈ ਸਦਾ ਬਿਵੇਕ, ਹੇ ਅਪਰੰਪਰ ਹਰ ਹਰੇ ਹੈ ਪੀ ਹੋਵਨ ਹਾਰ, ਹੇ ਸੰਤਹ ਕੈ ਸਦਾ ਸੰਗ ਨਿਧਾਰਾ ਆਧਾਰ,
ਹੀ ਠਾਕੁਰ ਹੋ ਦਸਰੂ ਮੈਂ ਨਿਰਗੁਣ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਾਨਕ ਦੀ ਜੈ ਨਾਮ ਦਾਨ ਰਾਖੋ ਹੀ ਪਰੋਈ ਆਈ ਪ੍ਰਭ ਸਰਨਾਗਤੀ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ ਦਿਆਲ ਏਕ ਅੱਖਰ ਹਰ ਮਨ ਬਸਤ ਨਾਨਕ ਹੋਤ ਨਿਹਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ ਚੜੇ ਸੋ ਉਤਰੈ ਪਾਰ ਜੋ ਸਰਦਾ ਕਰ ਸੇਵ ਦੇ ਗੁਰ ਪਾਰ ਉਤਾਰਨ ਹਾਰ ਕਥਾ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤਹੂਤ ਹੈ ਸੁਣੋ ਸੋ ਸਿੰਘ ਸੁਜਾਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਦਾ ਕਰੈ ਕਲਿਆਣ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਦਾ ਕਰੈ ਕਲਿਆਣ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਗਜ ਕੇ ਜੈਕਾਰ ਜਾਵੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਜਾਵੇ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਗੁਰਬਰ ਅਕਾਲ ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਦਿਨਾ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਰੱਖਣੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ